ऐसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में बी ऑनर्स के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, एक तो ये कि खुद से किस तरीके से तैयारी करें, लेकिन उससे पहले बी ऑनर्स के बारे में मैं आपको समझा दूँ। एमयू के अंदर में जो बी ऑनर्स है वो सिंपल लाइक आपको अगर पॉलिटिकल साइंस लेना हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर इंग्लिश हो गया या और भी सब्जेक्ट हो गए, अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो इसके लिए सिंपल आपको बी ऑनर्स का एक पेपर देना पड़ेगा। मेरिट बेस पे आपको या तो पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वाट एवर जो भी आपके चॉइस हैं उसी हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो आपको पता चल गया कि एक पेपर देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब पॉलिटिकल साइंस का पेपर कब आएगा। कुछ नहीं, सिंपल एक बी ऑनर्स का पेपर होता है। अब इसके बाद आपके मोबाइल वाले राइट हैंड पे नोटिस करेगा, थ्री आइकन दिख रहा होगा, वरना ये इस तरीके से स्क्रॉल जो हो रहा है इस पर भी जाकर चेक कर सकते हैं डायरेक्ट, वरना आपको एडमिशन वाले सेक्शन में भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि मोबाइल वाले सेक्शन में थोड़ा सा वो होता है, हाँ अगर मोबाइल वाले सेक्शन को डेस्कटॉप मोड में रखेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। एमयू बी ऑनर्स का सिलेबस डाउनलोड कर लिए, मतलब अभी हम आपको किस तरीके से तैयारी करना है उसके बारे में शॉर्ट में आपको बताएंगे, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि आपको पता ही है एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, फिल होना शुरू हो चुका है, जो भी स्टूडेंट फिल करना चाहते हैं मैंने उस पर वीडियो बनाया वो देख लीजिए। एमयू का सबसे पहले ये कि सिलेबस चेंज नहीं होता है। तो एक तो ये कि नॉर्मली अगर हमसे कहा जाए तो हम सिंपल ये कहेंगे कि आपका जो तैयारी है वो अगर एसएससी लेवल का है, एसएससी लेवल मतलब 12th लेवल का, यानी कि एसएससी का जो पेपर जो भी देते हैं, एसएससी हो गया, जेई हो गया या रेलवे का पेपर हो गया, अगर उसके उस हिसाब से अगर आपकी तैयारी है आपका सिलेक्शन फिक्स है। लेकिन यह है कि आपको पता ही है कि यहाँ पे अलग अलग सेक्शन से सवाल किए जाते हैं, फिर एक ही सवाल होगा कि हम कौन सा गाइड को फॉलो करें, क्वेश्चन पेपर से क्या मतलब किस तरीके से अल्टीमेट तैयारी करें। तो मैं आपको सिंपली दो तीन चीज़ें सजेस्ट करूँगा। देखिए अगर आप जो है अगर आप 6th से लेकर 10th तक का एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं वो बहुत हद तक आपका इसमें काम आ जाएगा, या फिर आप लूसेंट पढ़ लेते हैं उसके साथ 12th का कुछ बुक पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा 6th से लेकर 10th तक का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बहुत होगा, वरना लूसेंट का जो गाइड आ रहा है वो भी मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग लूसेंट को पढ़ते हैं अल्टीमेटली लूसेंट का सारा टॉपिक 6th से लेकर 10th का, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स तो कम बेसी कह सकते हैं, लेकिन हाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का सेक्शन आ जाता है। बाकी ये कि थोड़ा सा डीप नॉलेज लेना पड़ेगा, जैसे कि आप लूसेंट जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं ये कहना चाहूँगा। बाकी और भी कोई अगर गाइड वाइड मिलता हो, गाइड कोई भी गाइड फॉलो कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश के लिए क्या है कि सबसे पहले टॉपिक के हिसाब से अपना जो भी गूगल पे जाकर या कोई भी एसएससी लेवल का बुक है उससे स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए, रिविजन करिए, लेकिन ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक ही फंडा बताऊँगा, वो यही कि सबसे पहले 5 ईयर का पेपर सोल्व कर लीजिए और ये आइडिया लगाने की कोशिश करिए कि रीजनिंग से कहाँ से पूछ रहे हैं, इंग्लिश से कहाँ से पूछा जा रहा है, मतलब इंग्लिश का किस टाइप का, कहाँ से नहीं किस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है, स्टैटिक्स से कौन सा सवाल, मतलब वही ये आपका जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर है ये किस टाइप के सवाल किए जा रहे हैं। तो ये तीन चार ही सेक्शन ऐसे मिलेंगे जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा। लेकिन हाँ ये कब पता चलेगा, जब आप और एटलीस्ट जो है 4 to 5 ईयर का पेपर आप सोल्व करेंगे तो इसलिए मैं आपको बता दिया पेपर सोल्व करना है पहले सिलेबस का टॉपिक वाइज के हिसाब से। अब उसमें भी देखिए इसमें इन्होंने बता रखा है जैसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन अवार्ड से पूछे, एब्रिविएशन हो गया, प्रोमिनेंट बुक्स एंड ऑथर हो गया, सेल्फ सोसाइटी हो गया, साइकोलॉजी, इन सब से सवाल किए जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक, हिस्ट्री से इन सब से सवाल किए जाते हैं। तो बेसिकली आपको फाइनली कैसे पता चलेगा, पेपर सोल्व करने से। बाकी अगर बुक लिस्ट की बात करें तो मैं इन शॉर्ट में समझाते रहूँ, इंग्लिश के लिए कोई भी एसएससी लेवल का बुक, रीजनिंग के लिए भी कोई भी एसएससी लेवल का बुक हो जो आप बस सिंपली उसमें प्रैक्टिस करने का, सवाल ये कि ये टॉपिक कैसे समझ में आएगा। तो रीजनिंग के लिए आप 4-5 सालों का पेपर जो एमए ने पूछा है ना उस टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर लीजिए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ कर लीजिए, आराम से रीजनिंग वाला सेक्शन सोल्व हो जाएगा। इंडो इस्लामिक के लिए अलग अलग गाइड्स आते हैं, कोई भी गाइड को फॉलो कर लीजिए, लेकिन उन सब में ज़्यादा जरूरी है आप पेपर को समझिए कि इंडो इस्लामिक में पूछ क्या रहा है। रीजनिंग वाला भी हो गया, इंडो इस्लामिक को लेकर या तो एक नाज गाइड आ रहा है या और भी अलग अलग गाइड्स आ रहे हैं तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिया कोई भी बुक हो। बाकी इसमें जो है 6 से लेकर 12th पहला, दूसरा आप जो है लूसेंट का जो बुक आ रहा है उसको, और तीसरा आप ऑनलाइन सोर्स को यूज़ करेंगे, ऑनलाइन एमसीक्यू लगाएंगे वेबसाइट पे, और एट द एंड में आपको इन्फॉर्म कर दूँ ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट जो है एएमयू में लगभग 5 से 6 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं पिछली बार, और अगर आप अपना सिलेक्शन फिक्स करना चाहते हैं एएमयू में बी ऑनर्स में खासकर, क्योंकि लास्ट ईयर सिलेक्शन रेट काफ़ी रहा और भी ऑलरेडी इस बार भी जो है स्टूडेंट एनरोल कर भी चुके हैं, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है या एक गूगल फॉर्म है उसको फॉर्म फिल कर लीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर है टेक्स्ट करके, और इमीडिएट में बैच ज्वाइन करिए, और आपका कंप्लीट जिसमें मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज और कंप्लीट जो भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ लाइव क्लासेस होंगे, और बिल्कुल एमयू के एंट्रेंस ओरिएंटेड आपको पढ़ाए जाएंगे ताकि होपफुली आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट लास्ट ईयर सेलेक्टेड हैं तो आपका भी उसका पार्ट बन सकते हैं। प्रिपरेशन करना है कैसे करना है इन शॉर्ट मैंने समझा दिया है, दो तीन काम ही है,
बस वही कि पेपर को सोल्व कर लीजिए सिलेबस के हिसाब से, और बाकी उस हिसाब से कुछ बुक कलेक्ट कर लीजिए। ये कब कलेक्ट करिएगा? जब आप समझ में आएगा पेपर का है। ऐसे तो हो सकता है आप लूसेंट का भी बुक फॉलो कर रहे हो, बाकी अलग अलग बुक भी फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन आपको उसी हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी का कमेंट करिएगा। थैंक यू।